खबर अहिवारा से है, जहाँ 2023-24 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां कमर कसती नजर आ रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी से अहिवारा विधानसभा में दावेदारों में शामिल कहे जाने वाले खेमराज बाकरे से भी चर्चा की गई है। इसी कड़ी में अहिवारा विधानसभा के ग्रामीणों से न्यूज की टीम ने गाँव की समस्या और जनप्रतिनिधियों द्वारा विकास के मुद्दों को लेकर सवाल किए हैं। जय जोहार संगवारी हो, आज हमन अहिवारा विधानसभा के गांव में पहुंचे हन और अभी तक हमन हा मंत्री नेता कई प्रकार के लोगन ला सुने हन कि कैसन टाइप के व्यक्ति ला ओमन हा अपन चुनाव में खड़ा करी। कई प्रकार के लोगों के मुंह से सुनथन कि ये खड़ा होई वो खड़ा होई और ये चुनाव में हम ला कैंडिडेट के रूप में देखबो, लेकिन वहाँ के जो रहवासी है अहिवारा विधानसभा के ओखर से हमन जानबो कि कैसन व्यक्ति ओमन हा चुनना चाहते, का ओखर समस्या है और अब तक जेन मन बनी से ओमन का विकास करी से हमन वहाँ के आदमी मन से जानबो। तो हमारे साथ है भाई कुछ गांव के व्यक्ति मन है अहिवारा विधानसभा अंतर्गत, उखर से हमन पूछताछ करबो। का नाम है दीदी तोर? गीता टंडन। कैसन टाइप के समस्या दिखा तुम्हारे गांव में? गांव में तो अच्छा हो के बहुत अच्छा हो, लेकिन ना आवास नहीं आए है, कुछ नहीं है। और तो पहली भी तो बहुत जन विधायक दावेदार मन सब खड़ा हुई से जीती से भाई, उमन कुछ विकास के काम नहीं करवा, इसका कुछ काम नहीं करे आए। तो मन बताओ तुम्हारे गांव का का बड़े बड़े समस्या दिखा थे भाई, बताओ। समस्या है कि ये दौरा हमारे है, लेकिन नाली पानी गिराया हुआ, मच्छर बोले थे, गंदगी बहुत है। अच्छा, अभी तक जन मन विधायक बने है, जन जन प्रतिनिधि बने है, वो मन तुम्हारे गाँव के दौरा करे नहीं करे है? दौरा नहीं करे ना, कुछ नहीं करे, कोई ध्यान ही नहीं दे है, सरपंच बने जो भी बने कोई ध्यान नहीं दे। अच्छा, कोई बड़े जन प्रतिनिधि ले एक बार देखे हो तुम तुम्हारे गाँव में? नहीं आए, नहीं आए, कोई नहीं आए। रुद्र गुरु आए एक बार बस आए, उसके बाद चुनाव समय आए और इस बीच में नहीं आए। हमारे साथ और गांव के रहवासी मन में हबै, उखरो मन से हम ना थोड़ा बहुत चर्चा करबो। भैया आपके का नाम है? मोर नाम सनत कुमार थापा है। तो तुहर गांव में का ऐसे लगते कि विकास के काम होना चाहिए? तुहर अहिवारा क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे लगते कि विकास के काम अभी तक का जो चीज़ें होना चाहिए? पहली बात है कि गाँव में ना प्रधानमंत्री जी के आवास है ना, वो गाँव में कोई भी ना एक झनला भी नहीं मिले है, और आप मन देखा था पूरा कच्ची कच्ची घर है गाँव में, पूरा बारिश का मौसम है, पूरा पानी नीचे गिरते पूरा। अच्छा चलो, मान लो हम बीते 20 साल के बात करबो, तो अभी तक कोई बड़े जन प्रतिनिधि मन तुम्हारे गांव में आ है कुछ जन? बस वही है, जब जरूरत पड़ते तब आते, चुनाव के समय आते, इसे कहना चाहते हो? लाख समय सफल काम ल करे इच हाव हाव कहके, और काम निकल गए चुनाव का ना तल अपन भाग गए, बंद हो गए इंदिरा आवास। तो आ गए करे से की कहते इंदिरा आवास, एक नाना कुकुर के नहीं आए। ये सब रहवासियों का कहना है, हम इसी मुद्दे पर और भी बात करेंगे। काफी लोग अहिवारा विधानसभा में दावेदार के रूप में देखे जा रहे हैं, और हम इसी मुद्दा पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है भाई खेमराज बाकरे जी। बाकरे जी, आपके स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अहिवारा विधानसभा में 15 साल राज करी, ओकर बाद गुरु रुद्र ऐसे भाई, अब कांग्रेस के भी कहना है कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी को तो 4 साल कांग्रेस के काम उद्दल लेके तू मन जाहू जनता के पास में, 15 साल तो हमर राज करे हो। देखो पहली बात तो है कि जब हमार सरकार रही से तो सबसे पहली हमार उपलब्धि रही से 1 रुपया चावल, और आज 1 रुपया चावल के कारण से आज कई जन गरीब मन के आज विकास हो पाते। काबर वो 1 रुपया चावल के कारण से जो चावल के पैसा हो तो बचा था ना, वो एक बड़े हमार मन की उपलब्धि है। दूसरा जनधन खाता है ना, जनधन खाता हम खुलवाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, आज हर घर में एक खाता है। दूसरा है जो टीकाकरण हुई प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, वो निःशुल्क देगी, बूस्टर डोज भी निःशुल्क देगी से। अभी यहाँ पे आप गांव में हवा, अभी आयुष्मान भारत के तहत एक स्वास्थ्य केंद्र के भी यहाँ पे स्थापना करेगी, ये भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुई। लेकिन एक तरफ अब मैं बात करता हूँ यहाँ के जो अभी वर्तमान विधायक है और मंत्री जी है रुद्र कुमार जी, यहाँ एक भी जन के प्रधानमंत्री आवास योजना में एक भी लाभार्थी नहीं है। अब का वाला नहीं दिखा का यहाँ के झोपड़ी है, आप घुमा के कैमरा में देख सकते हो, गांव के मुआयना कर सकते हो कि यहाँ कतका घर कच्चा में, अभी तक कच्चा मकान है, एक भी कच्चा मकान पक्का नहीं बने। जिन भी अपन खेत खार बेच के जैसे भी करके वो करते वो निजी तौर पर करत, लेकिन सरकार के अभी एक भी नज़र यहाँ नहीं पड़े। जबकि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक ही कहना है कि हर घर पक्का हो जाए, है ना, कच्चा मकान से दूर रहे,
जैसे कि आज नरेंद्र मोदी जी हमला उज्ज्वला योजना दे करके गांव में जो धुआं से माता बहनी मन के आँख खराब होती रही से कई प्रकार की बीमारी लगत रही से ओकर से अपन मुक्ति मिली उज्ज्वला योजना के माध्यम। दूसरा शौचालय है। आपके कहना ठीक है पर अहिवारा विधानसभा में 15 साल राज कर हमें ये पूछा था कि अब कौन से ऐसे बात लेकर के लोगों के बीच में पहुंचूं कि हम विकास के ये काम करके दिखलाबो का बड़े विकास के मुद्दे उठा हुआ। सबसे बड़े विकास के मुद्दे यही कि हम पक्का मकान बनाबो। जे दिन हमारे सरकार आ गए हमारे पहला चैलेंज यही रही और हमारे पहला घोषणा यही रही कि हम जेकर जेकर मकान रुके जेकर कच्चा मकान है वो मकान ला पहले पक्का करबो। ये हमारे पहला योजना रही। दूसरा आर्थिक उन्नति, आर्थिक उन्नति के लिए हम प्रयास करबो। तीसरा है कि अभी नशा पान गांव गांव में अवैध रूप से बिकत है। पहले तो वो अवैध रूप से बिकना नशा पान ला बंद होना चाहिए। काबर वो अवैध रूप से बिकत है तेकर से गांव घर में क्लेश हुआ थे, आर्थिक संकट आवा थे। पहले हमार वही काम रही कि पहले ओकर आर्थिक उन्नति और नशा पान ला दूर करन। साथ साथ जो हमार समय में जो विकास हो विकास होबे करी, शैक्षणिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास हो, ये प्रॉपर तरीके से चली और तेजी से चली। और जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है ओला पहुंचना चाहिए, वो भी गति हम तेज करवाबो। अच्छा, काफी सारे दावेदार मन के नाम निकल के आते खासकर भारतीय जनता पार्टी में, आप भी अपन आपला दावेदार माना थो का? हाँ, मैं भी अपन आपला दावेदार मानता हूँ, लेकिन पार्टी की निर्णय रही, जिनला भी दी वो पार्टी की निर्णय है। और हम जो भी कार्यकर्ता के एक अधिकार होते कि अपन बारे में बात रखे, अगर उनका इच्छा लगते कि मोला विधानसभा लड़ना चाहिए तो बात रखा थे सब, और ये समान रूप से एक कार्यकर्ता के अधिकार होते हैं। भाई दबे आपला पार्टी टिकट नहीं दी तब किसे करूँ? पार्टी काम करो कोई ना कोई लत दी। हम कमल फूल के पार्टी कार्यकर्ता, कमल फूल जेकर पक्ष में जाही वो हमारे विधायक। अच्छा, का बड़े मुद्दा रही खास आपके जो चुनावी राजनीतिक तौर पर? सबसे पहली बात तो मुद्दा ये है कि आपने हमें बताया कि नशा कि वर्तमान जो सरकार है भूपेश जी की सरकार है वो घोषणा करे रही से कि हम आते ही, थोड़ा जल्दी जल्दी बताओ, आते ही पहली हम दारू भट्टी बंद कर दो, शराब बंद कर दो, लेकिन वो नहीं हुआ। 15 साल तो बीजेपी गलत शासन रही कार्यकारी, लेकिन ऐसे रही ना कि हमार जब शासन रही से तो वो समय हम दारू भट्टी के जो गति रही से वो कम करत रहता था भट्टी ला और हाईवे से निकाल करके दूर दराज में रखत रहे है ना, दूर दराज में, ताकि जो एक्सीडेंट है ये सब चीज है ना वो मत हो करके, और धीरे धीरे वो बंद करत 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 हम फिर ना बंद कर दे रही थे। ये हमारे ये थे अहिवारा विधानसभा के गांव के नागरिक मन जे मन काफी सारा बात बताते कि फिर जो ग्राम पंचायत में और अहिवारा विधानसभा में काफी विकास के काम अछूता रह गए हैं। यहाँ के विधायक मन के अनदेखी भी बातें मन कहा थे भाई, और हमन गांव वाले मन भी जाने हैं, अहिवारा विधानसभा के गाँव के आदमी मन भी बताते कि काफी सारा इसमें काम जो है अछूता भी बचे हुए। साथ में खेमराज बाकरे भी जी इखर बारे में हमला जानकारी दी से, और भारतीय जनता पार्टी जो है काम मुद्दा लेके जाही उखर बारे में भी चर्चा करी से। कैमरामैन हर्ष के साथ गुरु भलाई साधना निश्चय संवाददाता भोपाल।